हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो पे। आज का वीडियो है हम लोगों का लेज क्रैप के ऊपर। पबजी में जो नया अपडेट आया 0.15 में, आज हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पे आप लोग लेज क्रैप यूज़ कर सकते हो और कैसे आपको इससे आपके एनिमी से आपके ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है आपको। तो गाइस, बिना किसी रुकावट के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो, हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट लेज क्रैप ट्राई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वे भी चढ़ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे अपना लेज ग्रैब यूज़ कर रहे हैं। लेज ग्रैब आपको यूज़ कैसे करना है, आपको मिड एयर डबल जंप दबाना है। आप इस बटन को अलग वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप सेटिंग्स में जाके आपका जंप और जो लेज ग्रैब है वो आप सेपरेट बटन यूज़ कर सकते हो उसके लिए। बट ज़्यादा रिकमेंडेड होगा कि आप ये कंबाइन वाला फीचर जो डिफ़ॉल्ट दिया जाता है वही आप यूज़ कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब बैटल में रहोगे तो आपको वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगा कि आप इसको चेंज कर पाओ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक जंप का और एक वॉल्ट का। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो इस की बाइंड को चेंज करना तो आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं इरांगल में कुछ लोकेशंस जहाँ पे हम लोग बेसिकली लेज ग्रैब यूज़ करके ओवर एनिमी एडवांटेज ले सकते हैं। तो गाइज हमारा पहला लोकेशन है स्कूल पे, जहाँ पे आपको इस पोजीशन पे आके यहाँ पे जो आपको बॉर्डर दिख रहा है बॉर्डर पे क्लाइंब करना है, फिर दौड़ते हुए जाके मिड एयर डबल जंप प्रेस करना है। ये चीज़ जो है ज़्यादा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर टाइम ये आप पॉसिबल नहीं है करना, थोड़ा हार्ड है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा। तो गाइज और एक जगह है स्कूल में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि सेम पोजीशन में आके आपको बॉर्डर पे जंप करना है फिर दौड़ते हुए मिड एयर डबल जंप। तो आप यहाँ ऐसे दूसरे विंडो पे जंप कर सकते हो जो पहले पॉसिबल नहीं था, और आपको इसी कॉर्नर से जंप करना है। तो गाइज अब चलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन पर जो है गट का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक जैसा दिखेगा, इस घर पे आपको बालकनी के पास जाना है। आप मेरा पोजीशन देख सकते हो और एकदम कोने के तरफ आपको जंप करना है। अगर आप सीधा जंप करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे, आपको एकदम कॉर्नर के ऊपर पोजीशन करके जंप करना है। फिर आप यहाँ जंप कर सकते हो और उसके ऊपर आप सीधा वाटर टैंक पर जंप कर सकते हो, जहाँ पर आप पहले नहीं जा पाते थे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपके पास स्नाइपर राइफल है या फिर कोई स्कोप है बड़ा, तो आप दूर से भी एनिमीज़ को मार सकते हो, जो पोजीशन एडवांटेज जो हमारे पास पहले नहीं था। अब हम लोग ये लेज ग्रैब यूज़ करके बहुत जगह जा सकते हैं जहाँ हम लोग नहीं जा पाते थे। तो हमारा तीसरा लोकेशन है गाइस फार्म पे। तो फार्म पे जो वेयर हाउस होता है आप वहाँ पे बहुत ही इजीली क्लाइंब कर सकते हो। वहाँ पे क्लाइंब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेयर हाउस के पीछे आके ब्लू कंटेनर के ऊपर लेज ग्रैब करके चढ़ना है। चढ़ने के बाद आपको एकदम एंगल पोजीशन लेके कॉर्नर जो फेंस दिख रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे डबल जंप यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो पोजीशन है आपका बहुत ही अच्छा पोजीशन है। अगर आपके पास स्नाइपर राइफल या फिर कोई अच्छा गन रहता तो आप यहाँ से बहुत दूर तक स्काउटिंग कर सकते हो। और इस पोजीशन में गाइज और एक चीज़ अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रो प्लेयर्स कैसे इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। हम लोगों को इस लेज ग्रैब से बहुत नए नए टेक्निक्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज जो काइंड ऑफ थोड़ा फनी है वो है आप इस जगह पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो, बट यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। और अगर आप इस पोजीशन से निकलना चाहते हो तो कॉर्नर की तरफ मुंह करके आपको निकलना पड़ेगा, लाइक एक सिंगल लाइन में आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ पे स्टक हो सकते हो। तो गाइज ये जो फीचर है आपको थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत टाइम फायर फाइट के बीच में आप वहाँ पे अगर फंस गए और कोई वहाँ पे अगर नेड कर देता है तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो गाइज यही है हमारा लिटरली लोकेशन, यहाँ पर आप आके आपका वेयर हाउस क्लाइम कर सकते हो। लेज ग्रैब को लेके और एक चीज़ का मैं बात करना चाहूँगा। लेज ग्रैब जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत टाइम हुआ था कि ये जंप जो है फेल हो गया था, तो इस चीज़ को आपको खाली इमरजेंसी में यूज़ करना है। अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं इन गेम। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी जगह आपको मिलेगा वो है आपका ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत लोकेशंस है जहाँ पे आप बार बार लेज ग्रैब प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज